गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर है चैप्टर 2 होल नंबर्स का। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। मतलब कि 10,999 के बाद के 3 क्या लिखने हैं, हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको मैं बता दूं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो एक के बाद एक आता है, वो नेचुरल नंबर होता है। जैसे कि अब हमने स्टार्ट करते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये सब क्या है, हमारे नेचुरल जो 1 by 1 आते हैं। तो नेचुरल नंबर के बीच में ना तो कोई गैप होगा, तो इसमें क्या है 10,999। तो इसमें हमें 10,999 में क्या कर देना है, 1+ कर देना है। उससे नेक्स्ट डिजिट जो होगी हमारी वो क्या होगी, वो हमारी होगी नेचुरल नंबर। तो जब हमने 10,999 में 1+ कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 11,000। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको प्लस करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर प्लस 1 कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 1 कैरिंग में चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद 9 और 1 10 0 1, फिर कैरिंग में 9 और 1 10 0, फिर 1 कैरिंग में, और यह हो गया 1 और 1 11। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, 11,000। अब इसमें फिर हम दोबारा 1+ कर देंगे। ठीक है, 1+ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 0 और 11 का 11 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा फिर 11,001। और उसमें फिर हम 1+ कर देंगे, जस्ट वेट, 11,000 हमारा 1 आ गया था ना, 11,000 आ गया था हमारा 1 11। उसमें फिर हम 1+ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11,002। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हमें 3 नेचुरल नंबर मिल जाएंगे अपने। उसके बाद हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राइट द 3 होल नंबर्स ऑक्यरिंग जस्ट बिफोर 10,001। वो कह रहा है कि होल नंबर्स बताने हैं किससे पहले के, जस्ट बिफोर 10,001। तो 10,001 से पहले का जो होल नंबर है वो हमें बता देंगे। ठीक है, अब 10,000 में से जब बिफोर पूछा है तो हम क्या कर देंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। अब 10,001 में से 1 माइनस कर दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, जब हमने 1 माइनस कर दिया तो 1 में से 1 गया 0 0 0, और ये हो जाएगा 10 का 10। तो ये हमारा हो गया 10,000। अब हम 10,000 में से फिर 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 10 1 गया 9, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 9, और ये 9 का 9 बचेगा। तो ये हो जाएगा 9,999। फिर इसमें से 1 माइनस कर देना है तो फिर इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा 9, ये 9 में से 1 गया 8, फिर 9, फिर 9, और फिर ये 9। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इसमें से 1 1 माइनस करके आपको शो करना है। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, 0 होता है। ठीक है, जो होल नंबर होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, ये सब क्या है, ये होल नंबर है। और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये वो उसने पूछा सबसे छोटा वो कौन सा नंबर है, होल नंबर कौन सा है, ये होल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है हमारा, 0 है, तो 0 लिख देंगे, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। अब 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर हैं वो ये पूछ रहा है। ठीक है, 53 माइनस 32 और -1 तो बराबर 20। 53 में से पहले हम 53 में से क्या करेंगे, 32 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या आ गया हमारा, ये आ गया 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, और फिर उसमें से फिर एक 1 माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 20। तो देयर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, 20 होल नंबर्स हैं। ओके, आगे चलते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ, इनके सक्सेसर बताने हैं। ठीक है, सक्सेसर का मतलब होता है कि +1, उससे आगे की डिजिट, जो भी डिजिट है। जैसे मान लीजिए हमारे कोई डिजिट है 20, तो 20+1 बराबर क्या हो जाएगा, 21। तो 21 क्या है, 20 का सक्सेसर। ठीक है, अब सक्सेसर बताना है, 7 लास्ट के डिजिट देखेंगे हम, इसमें क्या है, ये देखिए 24407, यहाँ पे देखिए 24007 01। अब हम इसमें क्या करेंगे, बस +1 कर देंगे। ठीक है, अब +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बस केवल चेंज क्या होगा, लास्ट के डिजिट में चेंज हो जाएगा 2, और से सारी डिजिट सेम रहेगी। तो सेम की सेम ऐसी लिख देनी है पूरी की पूरी। तो ये हो जाएगा इसका
सक्सेसर, ठीक है, ऐसे ही सब में प्लस कर देंगे। ये वाली जो दूसरी डिजिट है इसमें भी ऐसे प्लस कर देंगे, ये 1,01,099 में 1 प्लस कर देंगे तो ये 199 का बन जाएगा 200 पूरा, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट डिजिट इसमें भी 1 प्लस कर देंगे, 11 लाख हो जाएगा, और ये सक्सेसर इसमें भी 670 का 671 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में 670 है उसमें 1 प्लस कर देंगे 671, लेकिन ये पूरी पूरी डिजिट आपको लिखनी है, ठीक है। लेकिन लास्ट में ध्यान रखना कि 1 प्लस करना होता है लास्ट के लास्ट डिजिट में। और प्रेडिसेसर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर क्या होता है, उसमें से 1 माइनस कर देना। सक्सेसर मतलब प्लस 1 और प्रेडिसेसर का मतलब होता है माइनस 1। अब हमारे जैसे फर्स्ट डिजिट है 94 और माइनस 1 कर देंगे तो हमारी डिजिट क्या आ जाएगी, 93, ठीक है, उसमें से माइनस 1 कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये जो डिजिट है 10,000 में से माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 999, तो 1 माइनस कर देंगे। ऐसे ही इसमें 90 है तो यहाँ पर लास्ट में जो है 90 है हमारा, और 90 में से हम जब माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा, लास्ट में 89 बच जाएगा, ठीक है। और पूरी डिजिट ऐसी के ऐसी लिख देंगे, उसमें लास्ट में क्या है हमारा 21, और 21 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा 20, और पूरी डिजिट ऐसी के ऐसी लिख देंगे जिससे कोई आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट दैम विद द अप्रोप्रिएट साइन ये बिटवीन दैम। और इसमें क्या करना है कि आपको इनके पेयर्स बनाने हैं और इसमें से देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और उसके सामने साइन लिखना है, ठीक है। अब आपको बता देती हूँ मैं, सबसे पहले 530 है और 501 है, तो 530 और ये बीच में बॉक्स हो गया मान लीजिए हमारा, और ये हो गया हमारा 503। अब हम फर्स्ट डिजिट आपको इसमें देखना आ जाएगा, बहुत सिंपल है। फर्स्ट डिजिट देखेंगे दोनों की क्या है, सेम है, तो फर्स्ट डिजिट तो सेम है तो इसलिए दोनों कट गए। अब सेकंड डिजिट देखेंगे, इसकी 3 है और इसकी 0 है, तो कौन बड़ा है, 0 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो 3 की तरफ हमारा ऐसे मार्क होगा खुला हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा 370, सेम ऐसी है, और इसमें भी बीच में बॉक्स बना देते हैं और इधर है 307, तो फर्स्ट वर्ड देखेंगे, फर्स्ट दोनों का सेम है, दोनों को काट दिया, इसका 7, दूसरा वर्ड क्या है 7 और इसका 0, तो कौन बड़ा हुआ, 7 बड़ा हुआ, तो 7 की तरफ को खुला रखेंगे और इधर की तरफ को ये हमारा एरो का वो होगा। ऐसी आप थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट अब देखिए 98765, ठीक है, और दूसरी डिजिट क्या है हमारी 56789। अब देखिए ये पहले सबसे पहले आप देखिए ये भी 5 डिजिट है और ये भी 5 डिजिट है, ठीक है, इसमें तो कोई छोटा बड़ा तो है ही नहीं। अब हम फर्स्ट वर्ड देखेंगे, इसका 9 है और इसका तो 9 है और इसका 5 है, तो कौन बड़ा हुआ, 9 बड़ा हुआ, तो 5 तो छोटा हुआ, तो इसकी तरफ को हमारा ऐसे मार्क होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ऐसी फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे 9830415, ठीक है, 9830415 और इसमें 100423001। अब इसके पहले काउंटिंग कर लेंगे कितने कितने वर्ड हैं इसमें, तो इसमें 2, 4, 6 और 7 है, और इसमें 2, 4, 6 और 8 है, तो सबसे इससे पता ही चल रहा है इधर 8 वर्ड है, तो इधर की तरफ को हमारा मार्क होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, ये हमारे ट्रू फॉल्स हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मैंने बताया था क्या होता है, 1 होता है, तो ये 0 0, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है, पहले वाला क्या होगा हमारा फॉल्स होगा। 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399, वो कह रहा है 400 प्रेडिसेसर होता है 399 का, फॉल्स, क्योंकि 400 क्या होता है, सक्सेसर होता है 399 का, तो दूसरा भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। थर्ड देखते हैं, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ट्रू, क्योंकि सबसे छोटा स्मॉल होल नंबर क्या है, मैंने आपको बताया था 0 होता है, तो इसका मतलब तीसरा क्या होगा, ट्रू होगा। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, ट्रू, क्योंकि 600 सक्सेसर है किसका, 599 का, तो इसका मतलब ये डी हमारा ट्रू है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स होते हैं, तो ये क्या होगा, ट्रू। लेकिन वो कह रहा है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, लेकिन सब होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि होल नंबर्स शुरू होते हैं 0 से, 0 1
टू थ्री, ठीक है। और जबकि नेचुरल नंबर शुरू होते हैं वन टू थ्री से, तो वो जो भी होल नंबर्स हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एफ हमारा फॉल्स होगा। द प्रेडिसेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। वो कह रहा है जो किसी भी टू डिजिट नंबर का जो प्रेडिसेसर होता है वो कभी भी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। अब टेन है, टेन का अगर हम प्रेडिसेसर निकालेंगे तो क्या होगा, नाइन होगा, तो सिंगल डिजिट में आ सकता है। तो इसका ये, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये फॉल्स है। वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था जीरो होता है, तो वन तो हो ही नहीं सकता, तो एच क्या है हमारा, फॉल्स होगा, ठीक है। अब अगला चलते हैं। द नेचुरल नंबर वन हैज़ नो प्रेडिसेसर। जो नेचुरल नंबर है वन, उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा वन से ही शुरू होते हैं, तो उसका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता। तो आई का क्या हो जाएगा, फॉल्स, सॉरी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। द होल नंबर वन हैज़ नो प्रेडिसेसर। जब अब होल नंबर वन है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, फॉल्स, उसका तो प्रेडिसेसर होता है, क्योंकि होल नंबर अगर वन है तो वन का प्रेडिसेसर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, तो ये वाला फॉल्स होगा। अब कह रहा है होल नंबर थर्टीन लाइज बिटवीन एन इलेवन एंड ट्वेल्व। इलेवन और ट्वेल्व के बीच में कोई आता है, थर्टीन इलेवन और ट्वेल्व के बाद में आता है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, रॉन्ग है ये वाला। द होल नंबर जीरो हैज़ नो प्रेडिसेसर। जो होल नंबर है जीरो, उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, ट्रू, क्योंकि होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, उसका कोई और प्रेडिसेसर नहीं होता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल का ट्रू। सक्सेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए टू डिजिट नंबर। अब कह रहा है कि टू डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा टू डिजिट ही होता है, नहीं। अब 99 क्या होता है, टू डिजिट नंबर है। अब इसका जब हम सक्सेसर लिखेंगे तो प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री डिजिट में हो जाएगा, तो ये फॉल्स होगा। तो वो कह रहा है हमेशा सक्सेसर टू डिजिट का टू डिजिट में आएगा, नहीं, थ्री डिजिट में आ सकता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी, इसे जिन बच्चों की नहीं हुई है वो कंप्लीट कर लें और कॉपी में लिख लें। थैंक यू।